विश्व आदिवासी दिवस बेल्टमा में धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं पैदल मार्च निकालकर मणिपुर घटना को लेकर विरोध भी किया गया। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान जैसे नारों से बेल्टमा नगर गूंज उठा। बेल्टमा में इसे लेकर एक विशाल शोभा यात्रा निकली, जो बदीपुरा बालाजी से शुरू होकर सागौर रोड, पूरा बाजार, राजबाड़ा चौराहा, अम्बेडकर चौराहे होते हुए पुनः बदीपुरा पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। गौरतलब है कि मूल निवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था। 1982 में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की मूल निवासी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक का दिन भारत के मूल निवासी आदिवासियों द्वारा यह दिन हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। बेल्टमा में क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा बेल्टमा के रास्तों पर रैली निकाली गई और रैली के समापन पर एक सामाजिक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अपनी बात कही। बेल्टमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, इसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जो आदिवासी समाज का जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो स्तर घट रहा था, उसके लिए यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राज्य संघ ने 1994 में ये दिवस घोषित किया गया। उसके लिए आज पूरे देश में ये दिवस मनाया जाता है और आज भारत के अंदर भी अलग अलग जिलों में, राज्यों में मनाया जा रहा है और बेल्टमा में भी, मध्य प्रदेश के बेल्टमा, जो इंदौर जिला का बेल्टमा, उसमें भी 9 अगस्त के लिए पूरी समाज आज इकट्ठी हुई और सांस्कृतिक रूप से उसको मनाया गया। सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। साथियों, आज आदिवासियों को बचाने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर जैसी घटनाओं को और जो मध्य प्रदेश के सिद्धि में जो पेशाब करने वाली घटना आदिवासी युवक के ऊपर जो घटी, उससे ये सिद्ध होता है कि साथियों, यहाँ पर वो सरकार के दिखाने के दांत अलग है और खाने के अलग है। अगर ऐसी घटनाएं घटती रही तो आदिवासियों का अस्तित्व निश्चित रूप से ख़त्म होगा। उसी के लिए आज आदिवासी समाज बेल्टमा में विश्व आदिवासी दिवस के दिन इकट्ठा हुआ और मिलकर इसका विरोध किया। मेरा नाम ओमकार सिंह कटारा। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत देशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। आज का दिन विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ एनयू द्वारा विश्व आदिवासी दिवस देपालपुर के ब्लॉक बेल्टमा में बड़ी धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और तमाम ग्रामीण क्षेत्र, जो बेल्टमा के क्षेत्र के गांव ग्रामीण हैं, सभी आज विश्व आदिवासी दिवस अपनी सांस्कृतिक कल्चर और तीर कमान के साथ पधारे। बहुत ही उत्साह के साथ विश्व आदिवासी दिवस बेल्टमा में मनाया गया। मिथुन परमार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।